Hello my dear friends, welcome to my classes. This is Vidya. In today's video we are going to see top 25 MCQ from the diary of Anne Frank. This is a chapter 4 from the first flight class 10th English. ठीक है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. पहला क्वेश्चन क्या है, When was Anne's born? इसमें क्या पूछ रहा है कि एने का जन्म कब हुआ था. ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑन 12th June 1929, on 12th June 1931, on 12th June 1931 या फिर on 12th June 1932. इसमें आपको लग रहा हो कि देखिए डेट हमारे तीनों में सेम है, बट द डिफरेंस इज देयर इन द ईयर. यहाँ पे ईयर्स में डिफरेंट है. पहला ईयर 1929 का, सेकंड का 1930, थर्ड 1931 एंड फोर्थ 1930. तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, आपको डेट के साथ ईयर भी लर्न करना होगा. तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ए, एनी वॉज बॉर्न ऑन 12th June 1929. ईयर हमारा कौन सा है, 1929. क्लियर. नेक्स्ट क्या है, हु वॉज एनीज ट्रू फ्रेंड. एनी की ट्रू फ्रेंड कौन था. ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या है, हर पेन किटी, हर कैट किटी, हर डायरी किटी या फिर नन ऑफ द अबव. पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, किटी कोई कैट का नाम नहीं है, किटी उसकी डायरी का नाम है. ठीक है, उसकी डायरी का नाम क्या है, किटी है. तो उसका ट्रू फ्रेंड कौन था किटी का, हर डायरी किटी, मीन्स उसकी जो डायरी थी उसकी ट्रू फ्रेंड थी हर डायरी किटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ ओल्ड वॉज एनीज फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर. एनी के फादर की एज क्या थी जब उन्होंने एनी की मदर से शादी की थी. तो ऑप्शंस में क्या है, 34, 35, 36 या फिर 32. ये सारे वर्ड्स कंफ्यूजिंग है, बट आपको एग्जैक्ट ईयर लर्न करना होगा. तो इसका एग्जैक्ट ईयर क्या होगा, 36. उनकी उम्र 36 थी जब उन्होंने एनी की मदर से शादी की थी. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाई डिड शी नॉट वांट टू गिव अ ब्रीफ इन द डायरी एट फर्स्ट. वो फर्स्ट टाइम क्यों अपनी डायरी में ब्रीफ नहीं देना चाहती थी. ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, शी डिडंट वांट टू बी फॉर्मल, she wanted the diary should be her real friend, she did not like the idea both A and B. तो ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, A and B, means ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा. she didn't want to be formal, पहला रीजन था. सेकेंड रीजन क्या है, she wanted the diary should be her real friend. ठीक है, ये दोनों उसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे. नेक्स्ट क्या है, Who would Anne allow to read her diary? किसको Anne जो है allow करेगी diary पढ़ने के लिए. ऑप्शन में क्या है, Her sister? No. Her parents? No. A real friend. उसी को allow करेगी जो उसके real friend होगी. यहाँ पे क्या लिखा, If she got one. अगर उसको कोई real friend मिलती है तो वो उसी को allow करेगी diary पढ़ने के लिए. तो ऑप्शंस में क्या हो जाएंगे हमारे, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, अ रियल फ्रेंड. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच टॉपिक वॉज शी टू राइट एन एसे ऑन एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट. ठीक है, जानते हैं कि उसको पनिशमेंट मिला था, किसने दिया था, उसके मैथ्स टीचर ने, मिस्टर किसिंग ने. ठीक है, तो उसको कौन सी टॉपिक मिली थी, अ चैटर बॉक्स, एंड इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस, चैटरबॉक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव. आपको पता है उसको तीन बार पनिशमेंट मिला, तीनों बार अलग अलग टॉपिक था. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस. इसको तीनों टॉपिक पे पनिशमेंट मिल चुका, तो उसको क्या लिखना था, ऐसे लिखना था, पोएम लिखना था. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, और चैटरबॉक्स एंड इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, क्वैक 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 या. ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता, ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे.
वो अपने लास्ट एसे में क्या लिखती है, अ पोयम, अ जोक, या फिर अ पैराग्राफ, या फिर अ फनी पोयम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अ फनी पोयम। लास्ट में क्या लिखती है, उसका जो थर्ड एसे रहता है उसमें क्या लिखती है, वो अ फनी पोयम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट शोज अनीस लव फॉर हर ग्रैंड मदर। क्या क्या हमें दिखाता है कि अने अपने ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा लव करती थी। ऑप्शंस में क्या है, सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, सही है, सी मिसेस हर। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर भी सही है, दूसरा भी आंसर सही। तीसरा क्या है, शी लेट हर बर्थडे पास विथ लिटिल सेलिब्रेशन। नो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बींग टॉक्टिव इन द एसे। वो कैसे दिखाती है कि मैं बहुत, मतलब वो अपने आपको कैसे शो करती, जस्टिफाई करती है कि बहुत टॉक्टिव गलती। टॉक्टिव मीन्स अनलिमिटेड टॉक। ठीक है, ऑप्शंस में क्या है, सी डिस्कस द सब्जेक्ट टॉपिक्स इन द क्लास, इट इज़ अ हैबिट। यस, उसने क्या बताया, इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये बताती है कि इट इज़ इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम माई हर मदर, इसको इसकी मम्मी से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, एंड यू कांट डू मच अबाउट इट, आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। अब उसको भी एक सब्जेक्ट में बहुत डर था कि वो किस सब्जेक्ट में पास नहीं होगी। ऑप्शन में क्या है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उस वो मैथ में नहीं श्योर थी कि वो पास हो जाएगी, फेल होगी। तो विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मैथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वॉट डिड शी नेम हर डायरी। मैंने आपको पहले बता दिया कि उसने अपनी डायरी का क्या नाम रखा, उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग है, यहाँ पे कैटी लिखा है, कैटी गलत है, एन ए तो उसका खुद का ही नाम था, तो किटी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाई डज एन ए थिंक शी वॉज लोनली। एन ए क्यों फील करती कि वो अकेली थी। ठीक है, शी हैड नो फ्रेंड्स, ये सही है, She had no real friend, ये भी सही है, She was all alone, या फिर she was an introvert। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, She had no real friend, उसके पास कोई भी real friend नहीं थे, इसलिए वो अपने आप को क्या फील करती थी, बहुत अकेला फील करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, What would the kids bet about in her class? उसकी क्लास में बच्चे क्या शर्त लगा रहे थे, या फिर किड्स या फिर बॉयस, वॉट वुड द किड्स बेट अबाउट इन द क्लास, बच्चे क्या शर्त लगा रहे थे। ऑप्शंस में क्या, हु इज मोर टॉकेटिव, हु वुड पास द क्लास, फुटबॉल मैचेस या फिर बास्केटबॉल, बेसबॉल मैचेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हु वुड पास द क्लास, कौन एक क्लास को पास कर लेगा। तो ये बच्चे क्या यही शर्त लगा रहे थे कि कौन क्लास को पास कर लेगा। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज डायरी गिवन टू एन ए, एन ए को डायरी कब दी गई थी। ठीक है, जब उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया था तो उसको वो डायरी कब मिली थी, ऑन हर 11th बर्थडे, नो, हर ऑन 12th बर्थडे, नो, ऑन हर 13th बर्थडे, यस, ऑन 14th, नो। मींस उसके जो उसका जो 13वां बर्थडे था, 13th बर्थडे था, उसी पर उसको ये डायरी एज अ गिफ्ट मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज एन ए फुल नेम। अब एन ए का कुछ तो फुल नेम होगा, तो ऑप्शंस में देख लीजिए, एनालिसिस मैरी फ्रैंक, एना मारियम फ्रैंक, एन ए मार्क फ्रैंक, या फिर एनालिसिस मार्टिना फ्रैंक। सारे ऑप्शंस मिल रहे, तो आपको बेसिकली क्या लर्न करना होगा, स्पेलिंग याद कर लीजिए। ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन ए फ्रैंक सिस्टर। इसका एक बार बताया गया था कि एन ए की सिस्टर का क्या नाम था। ठीक है, तो देखिए
स्पेलिंग आपको लर्न करना होगा। यह वाला ऑप्शन ए मागट, ये सही है। मारिए नो, मार्टिना नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मागट, MALGOT। ठीक है, आपको स्पेलिंग भी याद करना होगा। उसकी जो एल्डर सिस्टर का नाम था उसका क्या नाम था? मागट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट डू मोस्ट पीपल डू इन देयर डायरी। अब उसको डायरी तो मिल गई 13th बर्थडे में। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ज़्यादातर बच्चे या फिर ज़्यादातर लोग अपने डायरी में क्या लिखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा। लिखते हैं क्या है? अबाउट दियर हॉबी, नो। राइट फैक्ट्स, राइट दियर हैप्पीएस्ट मोमेंट, या नन ऑफ ऑफ द। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट फैक्ट्स। इट्स ट्रू, बहुत सारे बच्चे को अगर डायरी मिलती तो क्या लिखते हैं? उसमें फैक्ट लिखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्या है? व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन। अब जो एनी थी वो किस लैंग्वेज में उसने डायरी लिखी थी? ऑप्शन क्या है? स्पेनिश, इंग्लिश, डच या फिर फ्रेंच। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डच। जो हमारी डायरी आज हम जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हु वॉज द ओनली सर्वाइवर ऑफ NS5। अन्य की फैमिली में कौन मिस बचा था, मीन्स उसकी डेथ नहीं हुई थी, बाकी सबकी डेथ हो गई थी, सिर्फ उसकी फैमिली में एक मेंबर था जो कि जिंदा था। ऑप्शन में क्या है? NS फादर, NS मदर या फिर NS सिस्टर। इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी के जो फादर थे सिर्फ वही जीवित से, बाकी सब की डेथ हो चुकी थी। ये ऑप्शन लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? इन विच सिटी वर एनी एंड मागट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंडमदर। कौन से सिटी में एनी एंड उसकी बहन मागट को भेज दिया जाता है अपने ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए? ऑप्शंस में क्या है? बर्लिन, आचेन, मुनिच या फिर बोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आचेन में। उसकी ग्रैंड मदर कहाँ पे थी? आचेन में। और एनी को और उसकी सिस्टर को दोनों को कहाँ पे भेज दिया जाता है? आचेन में। ठीक है, ये दिस इज द नेम ऑफ सिटी, लर्न इट। नेक्स्ट क्या है? व्हाई डिड शी नॉट वॉन्ट टू गिव अ ब्रीफ। ये आइसिंग हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड बी, ये दोनों इसका करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हु वॉज एनेस ट्रू फ्रेंड। एने का ट्रू फ्रेंड कौन था? हर पैंट किटी, नो। हर कैट किटी, ये ऑप्शन हमारा सही है। सॉरी, ये ऑप्शन नहीं सही है। हर पैंट किटी, नो। हर कैट किटी, नो। हर डायरी किटी, यस। उसकी वो रियल फ्रेंड थी, ना ना फोपो गलत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हर डायरी किटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाउ ओल्ड वॉज एनीस फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर। ये भी हो गया। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 36। ठीक है, व्हाई डज एनी थिंक शी वॉज लॉनली। ये भी ऑप्शन हो गया। वो एनी क्यों सोचते कि वो अकेले है? तो इसका होगा ऑप्शन सी, हैड नो रियल फ्रेंड। वो इसलिए ऐसा फील करती थी क्योंकि उसके पास कोई रियल फ्रेंड या फिर ट्रू फ्रेंड नहीं थी। ठीक है, लास्ट आंसर, हु वॉज मिस्टर किसिंग। ये हमारा लास्ट आंसर है। मैंने आपको पहले बता दिया क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में, आई थिंक मैंने बता दिया। मिस्टर किसिंग वॉज द नेम ऑफ हर मैथ्स टीचर। ऑप्शन में देखते हैं, NS फादर, नो। NS मैथ्स टीचर, यस। NS अंकल, नो। नन ऑफ अबव, नो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? NS मैथ्स टीचर। आई होप हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 के अबव MCQ कर लिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।